अस्सलाम वालेकुम मीरब। जी वाले मुसलम, कैसी हो मीरब आप? मैं ठीक। कौन कौन है फैमिली में? मेरी माँ, तो बच्चे के तीन बच्चे हैं और आपके हस्बैंड भी हैं जी। तो वो क्या काम करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? जाली नहीं करते हैं वहाँ पर। सही, वहाँ जाते हैं तो उनकी परमानेंट जॉब है, डेली जाते हैं? जी नहीं, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। कभी होता है कभी नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? बच्चे खुश रहते हैं तो हम भी। आप ज़रूर हेल्प कीजिए और नेकी जो है उसे जारी रखिए। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका सेगमेंट एक दिन की नेकी में। और आपको याद रहे कि जो एक दिन की नेकी है ये हर रोज़ जो है ना जारी रहनी चाहिए। मेरे साथ मीरब है, आज हम मीरब से बात करेंगे और देखते हैं मीरब की क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम मीरब। जी वाले मुसलम, कैसी हो मीरब आप? मैं ठीक। कौन कौन है फैमिली में? मेरी माँ, तो बच्चे के तीन बच्चे हैं और आपके हस्बैंड भी हैं जी। तो वो क्या काम करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? जारी नहीं करते हैं वहाँ पर। सही, वहाँ जाते हैं तो उनकी परमानेंट जॉब है, डेली जाते हैं? जी नहीं, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। कभी होता है कभी नहीं होता। तो फैमिली में और अम्मी अबू सास ससुर अबू नहीं है आपके? बस आप ही लोग हो, आपकी बस बेटियां हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप हो, बस आप लोग हो। जी बेटियां ठीक है आपकी, पढ़ रही हैं? नहीं पढ़ रही। नहीं, गुजारा नहीं हो पाता होगा ना, जाहिर है। आपके हस्बैंड को मतलब कितने दिन बाद काम मिलता? कभी लगता है कभी नहीं लगता, बस यही काम। बस एक दिन लगता है तो एक दिन खाली आ जाता है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा काम हो कि उनको रोज़ाना काम पे जाना पड़े और रोज़ाना आप लोगों को पैसे मिले, है ना? कोई ऐसा तरीका होना चाहिए। अब जिन लोगों का काम नहीं होता ना वो बहुत ऐसा होता है, मीरब आप खुद भी कहोगी कि मैं ये सही बात कह रही हूँ, कि एक दिन गुजारा हो जाता है अगले दिन बैठ के देख रहे होते हैं कि अब क्या करना है कि नहीं है। आप कैसे इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को? क्या चीज़ है जो आपको खुश कर देती है? क्या क्या सोच है जो आपको, आप अगर अपने बच्चों को देखती होगी तो आपको अच्छा लगता होगा, आप खुश होती होगी? कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? बच्चे खुश रहते हैं तो हम भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने जमान में रखें, हम सबको रखें। मीरब के भी अब यही कहानी है कि उनके हस्बैंड जो है, अगर उनको उनकी परमानेंट जॉब तो है ही नहीं, तो कभी अगर काम मिल गया तो घर में कुछ खाने पीने का आ गया, हो गया तो हो गया, और अगर काम नहीं मिला तो वो नहीं खा सकते। ऐसे भी दिन गुजार रहे हैं आपने, है ना? तो आप क्यों ना, जो भी ये लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्यों ना ऐसा करें कि आप मीरब के बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठा लें? इतना जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे इतना महंगा नहीं है, है ना? और आपके हस्बैंड की जॉब का कर सकते हैं, है ना? वो पढ़े लिखे नहीं। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो कोई तो काम कर सकते हैं, हुनर। जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नहीं पढ़ी लेकिन उनको मेहंदी लगाना आती है, उनको कपड़ों का काम करना आता है, नहीं पढ़ी लिखी लेकिन वो काम कर सकती हैं, है ना? तो आप कुछ करती हो काम वगैरह? कुछ भी नहीं, बस घर पे ही होती हो? छोटे बच्चे हैं ना। अच्छा, बच्चों के साथ बिजी रहती हो। तो मीरब से आप लोगों की हमने मुलाकात कराई है, आप ज़रूर हेल्प कीजिए और नेकी जो है उसे जारी रखिए। हम रमज़ान का सामान लेके आए हैं, राशन है, ईद के कपड़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान और आने वाले दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे और घर में सबको मेरा बहुत सलामत है। दीना अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।